अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाजार भी सजने लगे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने लखनऊ के अयोध्या रोड के सभी चौराहों को सजाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही दुकानों और घरों पर भगवान के झंडे लगाए जा रहे हैं और भगवान की होर्डिंग्स को भी जगह जगह चौराहे पर लगाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अनुप त्रिपाठी ने व्यापारियों की तैयारी का जायजा लिया, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हैं। इस वक्त हम हैं राजधानी लखनऊ में और यहां पर भी उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने लखनऊ के चौराहों और बाजारों को सजाने का काम शुरू कर दिया। भगवान राम के जो झंडे हैं वो बाजारों में लगाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो होर्डिंग्स हैं वो बनाकर लगाई जा रही हैं। और इस वक्त हम हैं अयोध्या रोड पर और यहाँ पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी हैं जो अलग अलग बाजारों में जाकर के बैनर होर्डिंग लगा रहे हैं। और बैनर होर्डिंग लगाने के साथ साथ जो तमाम चौराहे हैं उनको भी सजाया जाएगा। हमारे साथ हैं संजय गुप्ता जी, आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। संजय जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं 22 जनवरी को लेकर? 22 जनवरी को राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे प्रदेश के व्यापारियों में, पूरे देश के व्यापारियों में, देश की जनता में बहुत ज़्यादा उल्लास है, बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल लखनऊ में जो राजधानी प्रदेश की है, यहाँ से अयोध्या जाने वाला जो रास्ता है अयोध्या रोड, इसके सभी चौराहों को हम लोग सजाने का काम करेंगे। सभी चौराहों पे भगवान रामचंद्र जी के कटआउट लगेंगे, उनके जगह जगह झंडे लगाए जाएंगे, हजारों की संख्या में अयोध्या तक का हम लोग तिवारीगंज तक का झंडे लगाएंगे। साथ ही साथ जगह जगह हम लोग भंडारे लगाएंगे, भूतनाथ मार्केट में LED स्क्रीन लगा करके सीधा प्रसारण हम लोग उसका दिखाएंगे, लोहिया मार्केट में भंडारा लगेगा और शहीद पथ से नीचे जहां उतरते हैं वहां से कमता चौराहे के पास, तिराहे के पास में भंडारा लगेगा 21, 22 और 23 को। जो लोग जाएंगे उनको पानी की दिक्कत ना हो, उनको भोजन की दिक्कत ना हो, जो लोग वापस आएंगे उन्हें भी कोई समस्या ना हो, इसके लिए यूपी आदर्श व्यापार मंडल पूरा प्रयास कर रहा है। हम लोगों की कोशिश है कि पूरे लखनऊ को, पूरे प्रदेश को राममय वातावरण हम लोग बना दें और एक एक व्यक्ति की बिल्कुल रोमांचित है इस बात को सोच करके कि 500 सालों के बाद ये अवसर आया है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये दिन देखने का मौका मिल रहा है। यूपी आदर्श व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारी पूरे लखनऊ को, पूरे प्रदेश को सजाने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम लोग अपनी दुकानों पर, अपने घरों पर दिए जला करके दीपावली मनाने का काम करेंगे और जगह जगह रामधुन बजाएंगे और पूरा एक माहौल रहेगा कि सबको लगेगा कि ये जो लखनऊ है भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी की नगरी है और जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उनको मालूम पड़ेगा कि उनके छोटे भाई की नगरी में हम लोग आ गए हैं। ऐसा माहौल यूपी आदर्श व्यापार मंडल पदाधिकारी बनाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। हम और लोगों से छोटा सा कमेंट लेंगे सर, कितना उत्साह है 22 जनवरी को लेकर? उत्साह की कोई सीमा नहीं है, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि 500 सालों के बाद जो अविस्मरणीय क्षण आया है इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसका बयान नहीं कर सकते हैं। और भगवान राम अपने घर में आज विराजमान हो रहे हैं और इतने हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेशवासी और उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल उनके कदमों में कदमों मिला करके सबके साथ हम लोग खड़े हैं और पूरे शहर को हम लोग राममय बना देंगे। आप लोग बाजार से जा रहे हैं, घरों में भी तैयारियां चल रही हैं? जी हाँ, हम लोग बाजार के अलावा जो गली मोहल्ले हैं उनके किनारों पर पानी पीने की व्यवस्था और जो सूक्ष्म जलपान हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं वो लगाएंगे यहाँ पर। शुक्रिया सर। छोटा सा कमेंट, किस तरह की तैयारी? देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है जिसके लिए खाली उत्तर प्रदेश नहीं, भारतवर्ष नहीं, पूरे विदेशों में भी जो है इसका डंका फैला हुआ है। सब हर्षोल्लास से इसका कार्य कर रहे हैं और हम लोग उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल जो है ये यहाँ पर राजधानी में लखनऊ से जो अयोध्या रोड का रास्ता है उस रोड पर जाने वाले समय प्रमुख चौराहों के ऊपर कटलेट लगा रहे हैं इसकी। घरों में परिवार में किस तरह का उत्साह? हमें दीपावली का माहौल बिल्कुल रहेगा 22 से, बल्कि अभी से शुरू हो गया है और 22 तारीख को बिल्कुल एकदम दीपावली पूरे घरों में मोहल्लों में वही वाला वातावरण रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। आप थे व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी संजय गुप्ता के नेतृत्व में लखनऊ, जो लक्ष्मण नगरी कहा जाता है जिसे, लखनऊ से अयोध्या रोड के जितने चौराहे हैं वो सब सजाए जाएंगे, कटआउट लगाए जाएंगे भगवान राम के। इसके साथ ही बैनर होर्डिंग्स की व्यवस्था की गई है, सभी लोग अलग अलग बाजारों में जाकर के दुकानों पर लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JAGRAM 24/7 न्यूज़।